आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसको समझेंगे। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, और ये यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, ऐसे एग्जाम में प्रायः इससे प्रश्न बनते हैं। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न उठा करके देखेंगे तो वहाँ आपको आसानी से तकरीबन प्रत्येक वर्ष कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन्फ्लेशन को अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो आप अगर इस बार बीपीएससी 17वीं में बैठ रहे हैं, स्पेशल प्लेलिस्ट है बीपीएससी 17वीं का, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जटिल होते हैं, आसानी से उसे समझाया गया है, कुछ फैक्ट्स इजीली अवेलेबल कराए गए हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कम समय में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन है क्या? तो डिफिनेशन इन्फ्लेशन की आती है कि जब व्हेन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस थ्रू आउट द इकोनॉमी देन इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। यदि किसी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य इकोनॉमी में लगातार बढ़ते रहे तो वो महंगाई कहलाती है। और महंगाई में क्या है, जितनी वस्तुओं का सप्लाई है उससे ज़्यादा का डिमांड है, यानी अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है तो ये स्थिति इन्फ्लेशन की है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। तो पहला ये कंडीशन याद रखिएगा। हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 15 पेन का डिमांड है और 10 पेन का सप्लाई है, मीन्स 15 पेन मार्केट में चाहिए और जो पेन का सप्लाई हो रहा है वो 10 ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो दाम है पेन का वो इनक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम कलम जो पहले मैं 10 रुपये में ख़रीदता था, उसका दाम बढ़ के अगर 15 रुपया हो जाता है तो उसी पेन के लिए जिसको मैं 10 रुपया पे करता था, उसी पेन के लिए अब मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपये अधिक पे करना पड़ रहा है। यही स्थिति इन्फ्लेशन है, इसको आप मुद्रा प्रसार के नाम से जानते हैं और ट्रेडिशनली बोलचाल के भाषा में हम लोग महंगाई बोलते हैं। तो यही होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का प्रसार होना। जिस चीज़ के लिए मुझे केवल 10 मुद्रा दे के मैं खरीद सकता था, अब उस सामान के लिए मुझे 15 मुद्रा देना पड़ रहा है, 12 मुद्रा देना पड़ रहा है, पहले से मुद्रा का प्रसार हुआ, तो वो इन्फ्लेशन है। इसके ठीक अपोजिट होता है डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस थ्रू आउट द इकोनॉमी, इसमें जो प्राइस है वस्तु का जो दाम है वो कम होना शुरू करता है। तो जब किसी वस्तु या सेवा का दाम अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर गिरने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये डिफ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है। इसमें डिमांड जो है वो सप्लाई की तुलना में कम रहेगा, यानी कि डिमांड कम होगा सप्लाई ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 5 पेन का डिमांड है और सप्लाई हो रहा है 10 पेन, तो मार्केट में अवेलेबल पेन है, तो ऐसे में कलम का दाम बढ़ेगा ही नहीं, और नहीं तो कलम का दाम घटाना पड़ेगा क्योंकि उस 5 कलम के डिमांड में 10 कलम को सप्लाई करना है, तो पेन का दाम घटाना पड़ेगा। यही परिस्थिति डिफ्लेशन कहलाती है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एकदम साधारण सा परिभाषा हम लोगों ने देखा। इन्फ्लेशन में क्या था, जिस पेन के लिए मैं 10 रुपये दे रहा था उस पेन के लिए 15 रुपये देना पड़ा, यानी कि पैसा फैल गया। डिफ्लेशन में क्या है, जिस कलम के लिए मुझे 15 रुपया देना होता था अब उस पेन के लिए मैं 10 रुपया दे रहा हूँ, या 10 रुपये वाले कलम के लिए मुझे अब 7 रुपया देना पड़ रहा है। तो इसमें मुद्रा का संकुचन हो रहा है, मुद्रा कम जा रहा है, यही डिफ्लेशन है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम लोगों ने देखा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। ये जो मुद्रास्फीति है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, आपको इसको सड़कने वाली मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीज ओवर टाइम, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ते जा रहा है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। इसमें जो रेट है वो 2% बढ़ेगा, 3%, 1.5%, 4% ऐसे बढ़ेगा, मतलब एक बार में 20% नहीं बढ़ जाएगा, 50% नहीं बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बट ग्रेजुअली वो बढ़ते रहेगा।
ठीक है। तो जो आज 100 रुपये का वस्तु था वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद 102 रुपये का हो गया, 104 रुपये का हो गया। मीन्स आप ये याद रखिएगा, इसमें सिंगल डिजिट इंक्रीज होगा, ठीक है। जो परसेंटेज है वो 2% 3% 4% ये होगा। सेकेंड वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेज बाई 2 or more digit, 2 या उससे अधिक digit पे जब इन्फ्लेशन राइज करता है तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 10% या फिर 1000%, कुछ भी अगर दाम में वृद्धि हुई है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का पेन है, 10% का वृद्धि हुआ यानी 11 रुपये में बिक रहा है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। चाहे वो 1000% का उसमें इंक्रीमेंट हो जाए और फिर बिके, दोनों ही कंडीशन में ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। यानी इसमें मिनिमम जो रहेगा वो 2 digit में रहेगा, जो परसेंटेज दाम का वृद्धि रहेगा वो 2 digit में रहेगा, ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। द थर्ड वन इज हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। इस केस में क्या होता है कि ये पूरे इकोनॉमी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, कैसे तेजी से बढ़ रहा है पता ही नहीं चलता है। इन दिस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, पता ही नहीं चलता है, कहने का अर्थ है कि जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत तेजी से दाम बढ़ रहा है, ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। और ये पूरे इकोनॉमी को, देश की जो इकोनॉमी है इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो सबसे खतरनाक होता है। इसमें जो दाम है आज 100 का 250 हुआ, कल 400 हुआ, परसों 1000, ऐसे करके बहुत कम समय में उस चीज़ का दाम बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन कंट्री के इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। ये बहुत तेज़ी से मतलब ग्रो करता है और मार्केट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो ये हम लोगों ने गैलोपिंग और हाइपर को देखा। एक सिचुएशन और है, ये स्टैगफ्लेशन होता है। इसमें रिसेशन इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, मींस इन आपको मुद्रास्फीति भी हो रहा है और मंदी भी है, इन्फ्लेशन रिसेशन दोनों काम कर रहा है। स्टैगफ्लेशन और रिसेशन इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द इन्फ्लेशन रेट इज हाई एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लोज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टेडली हाई। मीन्स महंगाई तो बढ़ ही रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट जा रही है और बेरोजगारी का दर बहुत ऊंचा हो गया है, तो ये स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है और इस वीडियो में हम लोगों ने टर्म्स को समझने का प्रयास किया है। आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज पूरे दिन मैं इकोनॉमी के इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं चर्चा करूंगा इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को और पूरे इन्फ्लेशन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SSX, CTET का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।